कुछ महीने पहले यानी 14 मई को चीन के एक प्रोब जुरोंग ने मार्स की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंडिंग की थी। यह चीन के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि अपने प्रोब की हेल्प से पहली बार चीन ने मार्स की सरफेस पर अपने कदम रखे थे। 19 मई को चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने जुरोंग प्रोब से मार्स की सरफेस के फोटोग्राफ्स पब्लिकली रिलीज भी किए थे। इस खबर से एक बार तो सभी को यही लगा होगा, या फिर जो प्लैनेट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते उन्हें भी यही लगता होगा कि शायद मार्स की सरफेस पर लैंडिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भले ही यह आप और हमें बड़ा इजी प्रोसेस लगता हो, लेकिन मार्स की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंडिंग करना बहुत 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 ज्यादा टिपिकल प्रोसेस है, और यही कारण है कि चीन के प्रोब की सक्सेसफुल लैंडिंग को एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम इस सब बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब पृथ्वी पर स्पेस से आने वाले किसी भी रॉकेट की लैंडिंग करना बहुत ही आसान है, तो मार्स की सरफेस पर लैंडिंग करना आसान क्यों नहीं है। वे कौन से कारण हैं जिनके कारण अर्थ से सिमिलैरिटीज रखने के बावजूद मार्स पर लैंडिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। सोवियत संघ ने जब स्पेस में स्पुतनिक को भेजा तो उसी दिन से पूरी दुनिया में स्पेस रेस शुरू हो गई थी, और इस लॉन्चिंग के 5 साल बाद ही यानी 1962 में मानव ने मार्स की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। 1962 में सोवियत संघ ने मार्स के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को पहुंचाने की पहली कोशिश की, लेकिन यह कोशिश पूरी तरह से फेल रही, क्योंकि मंगल तक जाने वाले प्रोब ने पृथ्वी के ऑर्बिट को ही नहीं छोड़ा और खत्म हो गया। इसके बाद 1971 में सोवियत संघ ने मार्स की तरफ एक और प्रोब भेजा। इस बार यह प्रोब मार्स तक पहुंचा भी और इसने सक्सेसफुली डेटा भी सेंड किया, लेकिन जैसे ही इसने मार्स पर लैंडिंग की वह खत्म हो गया। इस तरह से सोवियत संघ का दूसरा प्रयास भी फेल हो गया। इसके बाद सोवियत संघ ने एक कोशिश और की, और इस बार सोवियत संघ ने मार्स पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर ली। मार्स की सरफेस पर लैंड होने के बाद लैंडर ने काम भी किया, लेकिन यह 2 मिनट से ज्यादा काम नहीं कर पाया और खत्म हो गया। इस तरह से सोवियत संघ एक बार फिर से फेल हो गया। इसके बाद सोवियत संघ के ही मार्स 6, मार्स 7 मिशन भी फेल हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे किस्मत नहीं चाहती कि सोवियत संघ के कदम सबसे पहले मार्स की सरफेस पर पड़े। 1975 का समय बीत चुका था और 1976 में इस मार्स लैंडिंग रेस में अब अमेरिका भी शामिल हो गया था। अमेरिका ने भी 1976 में मार्स के लिए अपने 2 मिशन लॉन्च किए, वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2, और दोनों ही लैंडर्स ने मार्स की सरफेस पर सेफ लैंडिंग की, और इस तरह से पहली बार मार्स की सरफेस पर मानव के कदम पड़े। यह मानव के अंतरिक्ष इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे ही 2004 में स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी ने और साल 2008 में फीनिक्स ने मार्स की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंडिंग की। इसके बाद साल 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर ने भी सक्सेसफुली लैंडिंग की, लेकिन साल 2016 में एक बार फिर से एक प्रोब यूरोपियन रूसी लैंडर शियापरेली EDM खत्म हो गया। इस तरह से अनेक सक्सेसफुल लैंडिंग के बावजूद भी आज भी मार्स के सरफेस पर सेफ लैंडिंग करना बहुत ही रिस्की काम है, और इस रिस्क के 3 मुख्य कारण हैं: मार्स से पृथ्वी की दूरी, मार्स का ग्रेविटेशनल फील्ड और मार्स का एनवायरनमेंट। हमारे साइंटिस्ट साल में कई बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीन के स्पेस स्टेशन तक रूटीन ट्रेवल करते हैं, और वे इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट भी करते हैं। उनके लिए ऐसा करना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी दूसरे शहर में जाने के लिए बस पकड़ना। ये दोनों ही स्पेस स्टेशन पृथ्वी से बहुत ही कम डिस्टेंस पर मौजूद है। इन दोनों स्टेशनों को पृथ्वी के सबसे नीचे के ऑर्बिट में रखा गया है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। कभी कभी शॉर्ट में इसे LEO भी कहा जाता है। इस ऑर्बिट में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे ISS की पृथ्वी की सरफेस से दूरी करीब 400 किलोमीटर है। ऐसे ही मानव ने लूनर मिशन भी सक्सेसफुली कम्प्लीट किए हैं। चांद की पृथ्वी से दूरी सिर्फ 380,400 किलोमीटर ही है, और स्पेस में ये कोई बहुत बड़ी डिस्टेंस नहीं होती, और यही कारण है कि नासा ने मानव को भी चांद की सरफेस तक बड़ी ही आसानी से पहुंचा दिया था। चांद की डिस्टेंस LEO से पृथ्वी की डिस्टेंस से करीब 1000 गुना ज्यादा है, लेकिन इस डिस्टेंस को अपोलो मिशन ने सिर्फ 3 दिन में ही पूरा कर लिया था। लेकिन मार्स के मामले में ये कंडीशन पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि पृथ्वी से मार्स की मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। मार्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए एक पॉइंट पर अर्थ के सबसे पास होता है, तो वहीं दूसरे पॉइंट पर बहुत ज्यादा
डिस्टेंस पर होता है। लगभग 26 महीनों के बाद मार्स पृथ्वी के सबसे पास होता है, यानी इस समय मार्स और अर्थ के बीच की डिस्टेंस सिर्फ 55 मिलियन किलोमीटर होती है। जब मार्स इस पॉइंट पर आता है तभी मार्स के लिए स्पेस मिशन कंप्लीट किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक पॉइंट पर मार्स पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है। यह दूरी कितनी ज्यादा है इस बात का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि मार्स की दूरी इस समय चांद से पृथ्वी की दूरी से करीब 1000 गुना ज्यादा होती है। यह डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि हम पृथ्वी से ISS तक करीब 10 लाख बार जा सकते हैं, यानी मार्स की एक ट्रिप 10 लाख ISS की ट्रिप्स के बराबर है। अब हम इसे एक क्रू मेंबर के 60 के दशक के मरकरी मिशन और 3 क्रू मेंबर्स के लूनर मिशन से कंपेयर करते हैं। 60 के दशक में जब मरकरी के लिए मिशन लॉन्च किया गया तो इसके लिए काम में लिए गए रॉकेट की ऊंचाई करीब 29 मीटर थी, तो वहीं इस रॉकेट में करीब 120 टन वजन था। इस मिशन के लिए जिस एटलस रॉकेट को काम में लिया गया था वह रॉकेट पृथ्वी की सतह से करीब 200 किलोमीटर की ऊंचाई के ऑर्बिट में करीब 1.2 टन के किसी भी ऑब्जेक्ट को स्थापित करने की क्षमता रखता था। मरकरी मिशन के लिए जिस कार्गो का उपयोग किया गया था वह एक कैप्सूल कार्गो था और उसमें सिर्फ एक ही क्रू मेंबर मौजूद था जो उस समय अंतरिक्ष में करीब 5 घंटे तक रहा था। अब इसे हम पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट से करीब 1000 गुना दूरी पर मौजूद लूनर मिशन से कंपेयर करते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस और क्रू मेंबर्स की संख्या बदलने पर कैसे मिशन के पैरामीटर भी बदल जाते हैं। लास्ट लूनर मिशन अपोलो 17 में कमांड, सर्विस और लूनर मॉडल यानी हर एक चीज को ऐड करने पर इसका कुल वजन करीब 50 टन था और इस मिशन को सैटर्न 5 जैसे शक्तिशाली रॉकेट से अंजाम दिया गया था। इस मिशन को करीब 12.5 डे में कंप्लीट किया गया था और इस दौरान 3 क्रू मेंबर्स में से 2 मेंबर्स ने चांद की सतह पर भी समय बिताया था और एक शिप के अंदर ही मौजूद रहा था। इस दौरान क्रू मेंबर्स ने चांद पर करीब 3 दिन का समय बिताया था। अब हम इन्हीं आंकड़ों से मार्स मिशन को भी कंपेयर करते हैं। जैसे कि वैज्ञानिकों की योजना है कि वे साल 2037 तक 6 एस्ट्रोनॉमर्स को मार्स मिशन के लिए भेजेंगे। इस मिशन के लिए मार्स की डिस्टेंस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि जब मिशन को लॉन्च किया जाएगा तब आउटबाउंड के लिए करीब 174 दिन का लंबा समय लगेगा, तो वहीं वापसी के लिए करीब 201 दिन का टाइम लगेगा। इस तरह से मंगल पर करीब 539 दिन का लंबा वक्त बिताना होगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा ताकि मार्स एक बार फिर से पृथ्वी से सबसे कम डिस्टेंस वाले पॉइंट पर आ जाए, ताकि शिप को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए कम से कम फ्यूल का उपयोग हो। वापस उसी पॉइंट पर वापस आने के लिए मार्स पर क्रू को करीब 914 दिन यानी करीब 2.5 साल का लंबा समय बिताना होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि चांद और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस की तुलना में अर्थ से मार्स के लिए मिशन करना एक लंबी छलांग लगाने जैसा ही है, जहां पर क्रू मेंबर को 2 गुना किया जाएगा और मिशन की अवधि भी करीब 73 गुना तक बढ़ जाएगी। इसलिए करीब 150 गुना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होगी। जब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के लिए इंटरप्लैनेटरी मिशन लॉन्च किया जाता है तो सबसे बड़ी समस्या डिस्टेंस के कारण लगने वाले लंबे समय के दौरान क्रू मेंबर्स को रेडियोएक्टिव वेव से बचाना सबसे जरूरी होता है, और इसके लिए शिपमेंट में ज्यादा से ज्यादा मास को ऐड किया जाता है ताकि क्रू मेंबर्स तक रेडियोएक्टिव वेव आसानी से पहुंच नहीं पाए। इस तरह से शिप का वजन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इंटरप्लैनेटरी मिशन के दौरान रेडियोएक्टिव वेव से बचने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। इस समस्या के अलावा एक दूसरी समस्या ये भी है, कितनी ज्यादा डिस्टेंस के इंटरप्लैनेटरी मिशन के दौरान यदि किसी स्पेयर पार्ट में कोई खराबी आ जाती है तो उसे बदलना बहुत ही जरूरी होगा, नहीं तो क्रू मेंबर्स की जान खतरे में पड़ सकती है। जब स्पेस में किसी मिशन के दौरान कोई पार्ट्स खराब हो जाता है तो उसे रिपेयर करने के लिए ISS पर पार्ट्स मौजूद होते हैं जहां से पार्ट्स को बदला जा सकता है, लेकिन यह ऑप्शन मार्स मिशन के लिए उपयोगी नहीं है और इस कारण से बहुत ज्यादा मास के स्पेयर पार्ट्स को भी अपने साथ कैरी करके ले जाना होगा, जिसके कारण शिप का वजन और ज्यादा बढ़ जाएगा और इस कारण से शिप और ज्यादा मैसिव हो जाएगा। इसके अलावा एक समस्या ये है कि मार्स मिशन के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल भी लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी ट्रक या ट्रेन को चलाने के लिए जितना फ्यूल चाहिए उससे कहीं ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता हमें उसे रोकने के लिए होती है, और यही कारण है कि मार्स की सरफेस पर लैंड करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता होगी और इस कारण से हमें एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करके लेकर जाना पड़ेगा।
इस तरह से पृथ्वी से मार्स और मार्स से पृथ्वी तक की एक ट्रिप के लिए हमें करीब 850 टन से लेकर करीब 1250 टन फ्यूल की जरूरत होगी, जो कि एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि स्पेस में स्थित ISS का वजन करीब 450 टन ही है। और इसका मतलब है कि हमें मार्स की एक ट्रिप के लिए 2 से 3 ISS के वजन का जितना तो सिर्फ फ्यूल लेकर ही जाना होगा। इसके अलावा मार्स की सरफेस पर लैंड करना भी किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, और इसी कारण आखिरी के 7 मिनट ही सबसे खतरनाक होते हैं, और इन्हीं 7 मिनट में ही लैंड करने वाले प्रोब की किस्मत अंधेरे में छिपी होती है, क्योंकि मार्स से पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण किसी भी प्रोब को लैंडिंग के लिए इंस्ट्रक्शन तुरंत नहीं भेजा जा सकता। इसलिए उन्हें शिप को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही सामने वाली सिचुएशन का अंदाजा लगाकर उसके लिए ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम बनाना होता है, जो उस समय कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर भी सकता है और नहीं भी। इसलिए मार्स के एनवायरनमेंट में एंट्री से लेकर प्रोब की लैंडिंग तक करीब 7 मिनट का समय ऐसा होता है जिसे हम डार्क जोन कह सकते हैं। इस दौरान साइंटिस्ट का प्रोब पर कोई कंट्रोल नहीं होता, और इस कारण उन्हें सिर्फ इस बात की प्रार्थना करनी होती है कि इस 7 मिनट के दौरान सब कुछ सही सही होना चाहिए। इसके अलावा मार्स पर सेफ लैंडिंग में सबसे बड़ी समस्या इसकी ग्रेविटेशन फोर्स और इसका पतला वातावरण है, क्योंकि जब कोई प्रोब मार्स के एनवायरनमेंट में एंट्री करता है तब इसकी स्पीड करीब 1200 मील प्रति घंटा तक होती है, और इस दौरान इसकी स्पीड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। मून पर एनवायरनमेंट मौजूद नहीं होने के कारण प्रोब की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रेट्रो रॉकेट का उपयोग किया जाता है, तो वहीं पृथ्वी का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा थिक होने के कारण इस पर लैंडिंग करते समय इससे पैदा होने वाले फ्रिक्शन के कारण प्रोब की स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है, जबकि मार्स पर पृथ्वी की तुलना में बहुत ही पतला एनवायरनमेंट मौजूद है, जिसके कारण एनवायरनमेंटली फ्रिक्शन तो पैदा होता है लेकिन यह इतना ज्यादा नहीं होता कि किसी भी शिप की सेफ लैंडिंग करवा सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मार्स पर लैंडिंग के लिए भी रेट्रो रॉकेट का यूज किया जा सकता है, ताकि वह रॉकेट की स्पीड के एकदम अपोजिट साइड में फोर्स लगाकर इसकी स्पीड को कम कर दे और सेफ लैंडिंग हो सके। लेकिन ऐसा करना भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मार्स के पास पृथ्वी की तुलना में कमजोर ग्रेविटेशनल फील्ड होने के कारण एक छोटा सा अपोजिट थ्रस्ट भी शिप को हमेशा हमेशा के लिए हवा में ही खत्म कर सकता है, और जब बात 6 एस्ट्रोनॉमर्स वाले मैसिव शिपमेंट की हो तो यह खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भले ही मार्स अर्थ से काफी सिमिलैरिटीज रखता हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर मानव मिशन करना और उसके लिए सेफ लैंडिंग बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।